हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गई हूँ। आप सभी भी रेडी हो जाइए अपना स्कोर चेक करने के लिए। दोस्तों, डेली बेसिस से प्रैक्टिस करते रहिए मेरे चैनल के द्वारा। आज का 50 क्वेश्चंस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बेस्ट क्वेश्चंस हैं। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे UPTGT PGT, UPLT GRATE, MP TET, MP SUPER TET, अदर स्टेट के TGT PGT, KVS, NVS, तो सभी का प्रिपरेशन मेरे चैनल पे थ्योरी सेशन, चैप्टर वाइज MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस, और जो मैं डेली बेसिस पे आपको 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा रही हूँ, ये आपका 78वां वीडियो है। तो इस प्रकार से सभी चीज़ें, सभी मटेरियल अवेलेबल है मेरे चैनल पे। प्लेलिस्ट पे जाइए, सभी प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए और वहाँ पे आप अध्ययन कीजिए। तो डेली बेसिस पे लग जाइए देखने के लिए, क्योंकि डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका अभ्यस्त होंगे क्वेश्चन का सही आंसर देने में। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? तो निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है आपको इसमें देखना है। तो हड्डियों से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको देखना है थाई बोन जो है फीमर को कहते हैं, या जांघ की हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर। हील बोन एड़ी की हड्डी को क्या बोलते हैं? कैल्केनम। एंकल बोन को टार्सल बोलते हैं। ये सभी संगत हैं, यानी कि सुमेलित हैं, बट शोल्डर ब्लेड कंधे को कहते हैं, स्केपुला बोन को कहते हैं, जबकि यहाँ पे क्लेविकल दिया हुआ है, ये गलत है। तो यहाँ पे कौन असंगत है? तो कॉ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा असंगत है? सब आज के क्वेश्चन 50 के 50 क्वेश्चन आपके इसी तरह के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कौन सा असंगत देखना है? स्विमर मसल्स। दोस्तों, स्विमर मसल्स लैटिमस डॉर्सी को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? पेक्टोरलिस मेजर। तो पेक्टोरलिस मेजर तो थ्रोअर मसल्स बोला जाता है, तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा, यानी कि यही असंगत है। और क्या है? और सभी संगत है, जैसे कि विंग्स मसल्स लैटिमस डॉर्सी है, लैटिमस डॉर्सी को स्विमर मसल्स, एंड लैटिमस डॉर्सी को स्विमर मसल्स, रोइंग मसल्स, राइट क्लिम्बर मसल्स भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ग दिया है राइडर मसल्स एडक्टर को बोला जाता है, टेलर मसल्स सार्टोरियस को बोला जाता है, ये सभी राइट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, शरीर क्रिया विज्ञान के विशेषज्ञों ने उत्तकों को किसने भागों में बांटा है? तो वैसे तो दोस्तों, उत्तक जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं, इपिथिलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ये चार प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पे आंसर जो है वो 6 प्रकार के दिया है। आंसर कितना दिया है? 6 प्रकार के, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कंड्रा यानी टेंडन किस उत्तक का बना होता है? तो दोस्तों, कंड्रा यानी टेंडन जो है वह कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक का बना होता है। जैसा कि दोस्तों, यदि आप देखना चाहते हैं कि संयोजी उत्तक में कौन कौन से बने होते हैं, तो संयोजी उत्तक के अंतर्गत आता है व्हाइट फाइबर, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, लिम्फ एंड एरियोलर, पिगमेंटेड, एडिपोज, रेटिकुलर, ये सभी आते हैं। ये सभी संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? तो दोस्तों, वसी उत्तक, अभी मैं बताई आपको एडिपोज टिश्यू यानी वसी उत्तक है, रक्त है, उपास्थि है, बट ग्रंथिन नहीं है, बट ग्रंथिन नहीं है, संयोजी उत्तक ग्रंथिन नहीं है। ठीक है, ग्रंथिल कौन सा है दोस्तों? ग्रंथिल जो है स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू है। ठीक है, ये संयोजी उत्तक नहीं है। नेक्स्ट है,
लसिका उत्तक यानी लिम्फेटिक टिश्यू किस प्रकार के उत्तक की श्रेणी में आता है? तो यह दोस्तों अभी मैं बताई हूँ कि उदीर, लसिका, अस्थि, उपास्थि, वाइट फाइबर, टेंडन, लिगामेंट, ये सभी आते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत। तो लसिका भी किस में आता है? संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न खेलों को उनके मैदान को चिन्हित करने वाली रेखाओं की मोटाई के आधार पर घटते हुए क्रम में लिखो। तो दोस्तों आपको देखना है कि जो इनके मैदान की रेखा की मोटाई होती है उसको घटते हुए क्रम में लिखना है, मोटाई रेखाओं की मोटाई के आधार पर घटते हुए क्रम में लिखना है। तो घटते हुए आप क्रम में लिखेंगे यानी कि बड़ा से छोटा, तो सबसे बड़ा होता है रेखाओं की मोटाई आपका फुटबॉल की 5 इंच यानी 7 इंच, कितना होता है 5 इंच यानी 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? ए। सबसे पहले क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद आपका होता है हॉकी का, हॉकी का होता है 3 इंच यानी 7.5 सेंटीमीटर, तो सी हो जाएगा। उसके बाद होता है कबड्डी का 5 सेंटीमीटर, फिर खो खो का 4 सेंटीमीटर, तो ख आपका राइट है, 4 से 5 खो खो का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ा असंगत इनकम्पैटिबल है? तो यहाँ पे आपको देखना है कि धीरज देवता को क्या कहा जाता था? आकाश देवता, ये तो राइट है। हेरा को पृथ्वी की रानी, पृथ्वी देवता कहा जाता था। पोसिडियन को समुद्र देवता कहा जाता था, बट अपोलो को सूर्य देवता कहा जाता था, इसलिए यहाँ पे अग्नि देवता दिया है, इसलिए असंगत है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जोड़ा असंगत है? तो दोस्तों इनिकस एक कान का हड्डी है, ये संगत है, ये सही है, यानी कान की 3 हड्डियाँ होती है, एम आई एस मिस, ये ट्रिक है, यम से मैलिस, ई से इनिकस, यस से स्टेपिज, ये 3 हड्डियाँ होती हैं कान में, तो ये सही है। एंड ख है टेम्पोरल, टेम्पोरल पीठ नहीं है दोस्तों, ये हमारे क्रैनियल बोन है, कान के पास की हड्डी, तो यहाँ पे यही आपका असंगत है, ख आपका असंगत है। जी फाइड वक्ष की पेशी है जो उरोस थी यानी कि स्टर्नम होता है, जिसे दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ जोड़ी होती हैं, तो वो जो है स्टर्नम होता है, इसे 3 भाग होते हैं, ग्लेडियोलर जी फाइन मैनुब्रियम, तो आपका ए उसका भाग है, राइट है। एंड कैलकेनम जो है वह पैर का भाग है, ए राइट है, ठीक। कौन असंगत है? ख। नेक्स्ट है, फिर से आपको देखना है कौन इसमें असंगत है। तो बाइल का निर्माण कौन करता है? यकृत, ये राइट है। गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम कहाँ से निकलता है? अमाशय में, ठीक है। एंड ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय में। गैस्ट्रिक लाइपेज ट्रिप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज अमाशय से स्टोमस से स्थापित होता है। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज ये सब निकलता है आपका अग्नाशय यानी पैंक्रियाज से। तो यहाँ पे ख आपका असंगत है, ग्रास नली से कोई एंजाइम नहीं निकलता। नेक्स्ट है, कौन सा असंगत है इसमें? छोटी मांसपेशी दोस्तों, सबसे मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपेडियस होती है कान की। एंड ख है लंबी मांसपेशी, सबसे लंबी मांसपेशी सार्डोयस होती है जांघ की। एंड दोस्तों सबसे बड़ी मांसपेशी होती है ग्लूटियस मिनिमस कुल्ली यानी हिप की। एंड यहाँ पे सबसे मजबूत मांसपेशी होती है हमारे भीतरी जबड़े मसेटर मसल्स होता है, बट यहाँ पे सोलियस दिया है, इसलिए यहाँ पे ग आपका असंगत है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जोड़ा शारीरिक शिक्षा के संबंध में असंगत है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका जोड़ा असंगत है ग, यानी कि 1914 में महाराष्ट्र में YMCA नहीं दोस्तों HYBM यानी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल स्थापित हुआ था, तो ये आपका राइट है। अब बी है आपका 1932 में उत्तर प्रदेश में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। एंड घ है 1920 में तमिलनाडु में, ये राइट है। नेक्स्ट है, निम्न कालों को क्रम में लिखिए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आया था?
सबसे पहले आया था सिंधु सभ्यता, क्या आया था? सिंधु सभ्यता, उसके बाद आए थे हड़प्पा, मतलब यानी कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता का अध्ययन किया गया, फिर हड़प्पा का, उसके बाद आए थे आर्यन, ठीक है सी, उसके बाद मुस्लिम काल, यहाँ पे ख राइट है। नेक्स्ट है, निम्न खेलों को उनके खेल अवधि के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो इसमें खेल अवधि के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि छोटा से बड़ा, तो सबसे कम किसका होता है, यहाँ पे सबसे कम है बास्केटबॉल 40 मिनट, 10 मिनट के चार हाफ होते हैं, चार क्वार्टर्स होते हैं, फिर आपका होगा खो खो जिसमें 9 चौक 36, चार 9 मिनट के चार पारी होते हैं, उसके बाद फुटबॉल हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा दोस्तों हॉकी, 60 मिनट का होता है, 15 चौक 60, यानी 15 मिनट के चार क्वार्टर्स होते हैं, एंड उसके बाद फुटबॉल हो जाएगा 90 मिनट होता है, 45 मिनट के दो हाफ, तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा घ। नेक्स्ट है फेस, तो आपको देखना है कि इसमें कौन सा असंगत है, ये आपका है शतरंज से रिलेटेड, इसमें देखना है कि किसका मूल्य कितना है, किसका मूल्य कितना है, तो इसमें आपका असंगत है ख और सब सही है, यानी कि रानी का मूल्य 9 है, रुख का मूल्य 5 है, नाइट का 3 है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका दिया है कि सबसे पहले आप मिलाएंगे हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट जो होता है हमारे कोहनी घुटने उंगलियों का जो होता है, तो उसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन गति होता है, तो ये आपका राइट है, एंड राइट कौन नहीं है, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ऐसा ज्वाइंट है जिसमें सब प्रकार की गतियां होती हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन सभी प्रकार की गतियां होती हैं। एंड दोस्तों जो आपका कार्डिलर ज्वाइंट होता है, ये हमारा रिस्ट होता है जिसमें दोनों तल में गति होती है, दोनों तल में गति होती है, तो यहाँ पे रिस्ट ज्वाइंट कलाई के ज्वाइंट होता है, तो इसमें एबडक्शन एडक्शन गति, एबडक्शन एडक्शन तो कंधे की गति में होती है दोस्तों, यहाँ पे चौथा दिया ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो एक हड्डी दूसरे हड्डी पर फिसलती है, यानी इसमें रोटेशन मूवमेंट होता है, तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन घ राइट दिया है जिसमें असंगत नहीं है, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक कंट्रक्शन किसके अंतर्गत आते हैं, दोस्तों कॉन्सेंट्रिक मतलब मांसपेशियों की लंबाई कम होना, इसेंट्रिक मतलब मांसपेशियों की लंबाई बढ़ना, तो मांसपेशियों की लंबाई घटना बढ़ना किसमें आ जाएगा, आइसोटोनिक एक्सरसाइज में, और जिसमें मांसपेशियों की लंबाई न घटती है न बढ़ती है सेम लंबाई होती है, आइसोमेट्रिक होता है। नेक्स्ट है सेजिटल प्लेन का अक्ष होता है, तो सेजिटल प्लेन का अक्ष क्या होता है, तो दोस्तों सेजिटल प्लेन का अक्ष होता है हॉरिजॉन्टल, कैसे होता है हॉरिजॉन्टल, अक्ष में आपका ऐसे हो जाता है, ये आपका सेजिटल प्लेन है, ठीक, ये आपका वर्टिकल प्लेन है, फिर आपका ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक, यानी कि कैसे कैसे खींचा जाता है हॉरिजॉन्टल, यानी कि जमीन के समानांतर। नेक्स्ट है कौन सा जोड़ा असंगत है, तो यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट होता है, बास्केटबॉल का नहीं होता है, इसलिए यही आपका असंगत हो जाएगा, जबकि जोहानसन फुटबॉल टेस्ट है, जोहानसन फुटबॉल टेस्ट है,
जो आंसर साकर टेस्ट है ये आपका राइट है। एंड फ्रेंच हॉकी से रिलेटेड है, डायर टेनिस टेस्ट टेनिस से रिलेटेड है, ये सब सही है। नेक्स्ट है, कौन सा इसमें असंगत नहीं है, असंगत है तो शोल्डर गर्डल यानी कि जो हमारी स्कंधास्थि स्कैपुला होती है दो की संख्या में होती है, राइट है। क्रेनियल बोन जो होती है यानी कि जो मस्तिष्क की हड्डी होती है आठ होती हैं, राइट है। टार्सल बोन जो एंकल की जॉइंट की हड्डियां होती हैं सात होती हैं, ये भी राइट है। लेकिन लंबर में पांच हड्डियां होती हैं, यहाँ चार दिया है इसलिए यह असंगत, ये संगत नहीं है, असंगत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत यानी इनकम्पैटिबल है, तो यहाँ पे आपको देखना है। मायोलॉजी मांसपेशी के अध्ययन कहते हैं, नेफ्रोलॉजी किडनी के अध्ययन कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण के अध्ययन कहते हैं, तीनों राइट है बट आपका ख राइट नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है, तो यहाँ पे दोस्तों राइट है एंथ्रोपोमेट्री जो मानव शास्त्र को बोला जाता है, ये आपका असंगत है। इस क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। नेक्स्ट है, फेफड़ों के वायु कोष्ठ एल्वोलाइज किस प्रकार के उत्तकों से बने होते हैं, तो ये दोस्तों बने होते हैं उपकला यानी एपिथेलियल टिश्यू से। नेक्स्ट है, रक्तवाहिनियां तथा अमाशय की भीतरी सतह किस प्रकार के उत्तक की बनी होती है, तो यह भी बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू जो है जितनी भी आंतरिक अंग की दीवारें हैं उसकी ऊपरी परत है, तो जितनी भी दीवारें हैं ये सभी चीजें खोखले अंग की दीवार है, सभी बनी है एपिथेलियल टिश्यू से। हमारे त्वचा की परत भी ढकी हुई है एपिथेलियल टिश्यू से जो हमारी त्वचा की रक्षा करती है। नेक्स्ट, कौन सा जुड़ा असंगत है, तो दोस्तों क्रेनियल बोन कितना होता है यानी मस्तिष्क की हड्डी आठ होती है, कार्पल यानी कलाई की हड्डी आठ होती है, फेसियल यानी चेहरे की हड्डी 14 होती है, कैसरिका यानी वर्टिब्रा कॉलम में 35 हड्डियाँ होती हैं बच्चों में, और बच्चों में कितना होती है 35 और वयस्कों में 26 होती है। यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा यानी कि यही आपका असंगत है। नेक्स्ट है, निम्न से क्या विषम है, तो यहाँ पे आपको देखना है विषम क्या है, तो ह्यूमरस टीबिया फीमर ये सभी लंबी अस्थियां हैं बट कार्पल क्या है शॉर्ट बोन है इसलिए ये विषम है। नेक्स्ट है, इसमें भी देखना है क्या विषम है, माइलिस इनेकस स्टेपस ये तीनों कान की हड्डियां हैं जबकि इसके फायर नहीं है। नेक्स्ट है, वसीय उत्तक यानी फैटी टिश्यू, तंतुमय उत्तक, फाइबर टिश्यू, इलास्टिक उत्तक, कार्टिलेज उत्तक, लसिका उत्तक एंड लिम्फेटिक टिश्यू, रक्त उत्तक, ब्लड टिश्यू किस प्रकार के उत्तक की श्रेणी में आते हैं, तो ये कि सभी के सभी किस में आते हैं दोस्तों, राइट आंसर आप टिक कर दिए होंगे, इस सभी के सभी आते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत, संयोजी उत्तक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, स्पाइनल कार्ड के मध्य स्थित उपास्थि किस प्रकार की होती है, तो स्पाइनल कार्ड के मध्य जो उपास्थि होती है दोस्तों व्हाइट फाइबर श्वेत तंतु उपास्थि व्हाइट फाइबर कार्टिलेज की बनी होती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लंबी हड्डियों के सिरों पर पाई जाने वाली उपास्थि जिन्हें ग्रोथ प्लेट्स का कहा जाता है वह किस प्रकार की उपास्थि की बनी होती हैं, तो ये बनी होती हैं काचाभ उपास्थि यानी कि हाईलाइन कार्टिलेज, ठीक है। नेक्स्ट है, कान की पतली कान की पाली ईयर पिन्ना किस प्रकार के उपास्थि कार्टिलेज की बनी होती है, तो यह बनी होती है इलास्टिक उपास्थि की, इलास्टिक उपास्थि की जिसमें तनाव शक्ति ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, बहुत सारे उत्तकों को मिलाकर किसका निर्माण होता है, दोस्तों समान प्रकार और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं से मिलकर बनती है उत्तक, और उत्तकों से मिलकर बना होता है अंग और अंग से शरीर का निर्माण होता है, तो यहाँ पे आपका उत्तकों से मिलकर अंग का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से बायो कोंडाइल व्यास का मापन किस हड्डी के लिए किया जाता है, तो बायो कोंडाइल माप का प्रयोग किस हड्डी के लिए किया जाता है, तो
फीमर एंड ह्यूमरस दोनों हड्डियों के लिए किया जाता है, क ख दोनों आपका राइट होगा। नेक्स्ट है हड्डियों से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी। हिस्टोलॉजी उत्तकों के अध्ययन को, साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को, क्रोनोलॉजी मस्तिष्क के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में 33 पसलियां कितनी है, तो दोस्तों हमारे शरीर में जो पसलियां होती हैं 12 जोड़ी होती हैं, यानी कुल 24 होती हैं, जिसमें से 7 जोड़ी असल यानी टू रिब्स होती है, जो प्रत्येक अलग अलग स्टर्नम यानी उरस्थि में जुड़ती हैं। उसके बाद 5 आपका फॉल्स रिब होता है, जिसमें से 8वीं 9वीं 10वीं जो है वो स्टर्नम से जुड़ने से पूर्व आपस में जुड़कर एक हो जाती हैं और उरोस्थि पर यानी स्टर्नम पर एक ही स्थान पर जुड़ती हैं। 11वीं 12वीं उरोस्थि बिल्कुल न जुड़कर स्वतंत्र रहती है, जैसा कि आप उसका फिगर देखेंगे तो याद आ जाएगा। तो दो पेयर होती है तैरने वाली पसलियाँ, कितनी होती है, दो पेयर, कौन कौन, 11वीं और 12वीं। नेक्स्ट है पूंछ वाली हड्डी किस कशेरुका में पाई जाती है, तो दोस्तों जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें सर्वाइकल बोन 7 होती हैं, थोरेसिक बोन 12 होती हैं, एंड लंबर रीजन में कमर वाले में 5 होती है, कॉक्सियल बोन 5 होती हैं, एंड सेक्रल 5 होती हैं, सेक्रल बोन 5 एंड कॉक्सीजियल जो होता है वो 4 होती है। कॉक्सीजियल जो 4 होता है वो पूंछ की जैसे लास्ट में हो जाती है, तो वो आपका हो जाता है आपका ख राइट होगा, कॉक्सीजियल यानी कि अनुतरिक्त। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जुड़ा असंगत है, तो ह्यूमरस, फीमर ये असंगत है, रेडियस अल्ला दोनों हाथ की हैं, टिबिया फिबुला पैर की हैं, कार्पस मेटाकार्पस दोनों हैं, लेकिन आपका ह्यूमरस हाथ की ऊपरी बांह की हड्डी है और फीमर जांघ की है जो असंगत है। नेक्स्ट है कौन विषम है, तो सर्वाइकल, पटेला, लंबर, तो इसमें आपको देखना है कौन आपका विषम है, तो विषम आपका दोस्तों यहाँ पे ख हो जाएगा पटेला, इसमें से सर्वाइकल जो है एंड लंबर रीजन जो है एंड सेक्रल, ये तीनों के तीनों क्या है, रीढ़ की हड्डी का भाग है, जबकि पटेला पैर की हड्डी का भाग है, इसलिए यहाँ अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी हड्डी टेंडन में बनती है, टेंडन में कौन सी हड्डी बनती है, यहाँ आपको बताना है, तो पटेला कौन बनती है, पटेला जिसे सीसमोइड बोन भी बोला जाता है, सीसमोइड बोन भी कहा जाता है, अपरिवर्तनीय बोन भी बोला जाता है, इसको हटाया जा सकता है कृत्रिम विधि से और दूसरा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जुड़ा असंगत है, तो फ्लैंजियस यानी कि जो उंगलियां होती हैं उसमें 14 हड्डियां होती हैं, चारों उंगलियों में 3-3 यानी 4-3 यानी 12, और जो अंगूठे में होती हैं वो 2 यानी कुल 14 होती हैं, तो यहाँ पर यही आपका असंगत हो जाएगा क, एंड जो कार्पल होती हैं कलाई की हड्डियां 8 होती हैं, टार्सस में 7 होती हैं, कंधे में 2 होती है, राइट है। नेक्स्ट है चमगादड़ के आकार के निम्न में से कौन सी हड्डी होती है, तो इसमें होता है स्केफायर, ये मस्तिष्क की हड्डी है। नेक्स्ट है हड्डी निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करती है, तो लीवर का काम लंबी हड्डियां करती हैं, सुरक्षा प्रदान करने वाला काम भी करती है, इसके अंदर ही फेफड़ा, लीवर, अमाशय, छोटी या बड़ी या सभी सुरक्षित रहते हैं, आकार देने का काम करता है, बट बल लगाने का काम नहीं करता है, बल लगाने का काम मांसपेशियां करती हैं। नेक्स्ट है बायोडेक्स नामक यंत्र किसकी जानकारी देता है, तो बायोडेक्स नामक यंत्र जो है वह किसकी जानकारी देता है, मांसपेशियों के कार्य की जानकारी देता है। नेक्स्ट है मैकलाय का विद्यार्थी वर्गीकरण सूत्र किस प्रकार का है, तो यह है आपका 20 आयु प्लस 6 ऊंचाई प्लस भार। नेक्स्ट है ड्रेग बल यानी ड्रेग फोर्स किस प्रकार कार्य करता है, तो ड्रेग फोर्स जो है वह प्रतिरोध बल रीअसिस्टेंस फोर्स का कार्य करता है।
नेक्स्ट है, तापमान बढ़ने से ड्रैग बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ने पर जो ड्रैग बल होता है वो घटता है। नेक्स्ट है, ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी में ड्रैग बल कैसा लगता है? तो ठंडे पानी की तुलना में ड्रैग बल जो है वह कम लगता है। नेक्स्ट है, टॉप स्पिन या बैक स्पिन के दौरान गेंद पर किस प्रकार का बल लगता है? तो इसमें लगता है मैग्नस बल। टॉप स्पिन तथा बैक स्पिन के दौरान गेंद पर किस प्रकार का बल लगता है? मैग्नस बल। नेक्स्ट, संगठन के ऑथोरिटियन सिद्धांत के संबंध में क्या सही है? तो यहाँ पे आपका सही होगा, बात सही इसमें निर्णय लेता है। संगठन के ऑथोरिटियन सिद्धांत के संबंध में क्या सही है कि बॉस ही निर्णय लेता है। नेक्स्ट है, दाब प्रशिक्षण का संबंध किस खेल से है? तो दाब प्रशिक्षण का संबंध है फुटबॉल से। तो दोस्तों ये था 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें आपको हमेशा सभी ऑप्शंस कौन संगत है कौन असंगत है इस प्रकार से पूछे गए थे, एंड सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, जो भी डाउट होगा उसे भी कमेंट में बताइए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो को अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।